दोबारा बताता हूँ, भूल गए होंगे। हाँ, योग में बैठे आंखें खोल के आराम से बाबा को देखते रहो और अपने आप से बात करो, मैं कौन, फिर मेरा रूप, जवाब है आपके पास, मेरे गुण, फिर मेरे कर्म, फिर मैं कहां से आया। ये पांच प्रश्न भूलना नहीं, योग लगाने की विधि है। बैठते अपने आप से बात करो, मैं कौन, मेरा रूप क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरे कर्म क्या है, मैं कहां से आया। परम धाम से, परम धाम में कौन है, कौन है कल आशी बाबा, कौन है और आपके पिताजी के पास क्या है, पानी का सागर है, पानी का सागर, दूध का सागर है, बाबा के पास आठ शक्ति है, कौन सी, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख का सुख का सागर, मुक्ति जीवन मुक्ति का, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि का, एक एक शक्ति लेके बात करो बाबा से, बाबा आपके जो पवित्र न पवित्रता के सागर हो, आप कितने पवित्र हो, शरीर तो है नहीं आपके पास, हाँ आपके मन में कोई देह धारण के विचार नहीं चलता है, आपके बुद्धि में कोई किसी का ख्याल नहीं चलता है, आपके अंदर कोई पुराने संस्कार नहीं, ज्ञान और शक्ति है, एक एक शक्ति लेके बात करते हो, खाली नहीं बैठना, खाली बैठेंगे तो नींद आएगी, इधर उधर के विचार आएंगे, तो मन बुद्धि चलती रहना चाहिए, अपने आप से बात करते रहो, है ना, इधर देखते रहो, अपने आप से पूछो मैं कौन, तुरंत बुद्धि कहेगी मैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा का बच्चा हूं, खाली नहीं चलेगा, कर सकते हो कि नहीं आएगी, पता जी चलेगा, याद रहेगा, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, ये आत्मचिंतन है, आत्मा का चिंतन करते करते परमात्मा चिंतन करो, तो आत्मचिंतन कैसे करो वो विधि बताया, परमात्मा प्रभु चिंतन करो कहते, प्रभु का चिंतन कैसे करें वो विधि, प्रभु कौन, वो पवित्रता का सागर है, वो हमारा बाप है, बाबा मुझे आपके जैसे करना है, तो आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, आत्मचिंतन प्रभु चिंतन, अलग अलग भाषा है, विधि चाहिए, समझ में आया, ठीक है करें।